ठीक है, तो हम मंडल के प्रयोगों के बारे में बात कर रहे थे ना, और उसके नियम के बारे में ना। तो पहली चीज में क्या हो रहा था कि यहाँ पे दो तीन चीजें हम साथ में देखते हुए चलेंगे, है ना। जैसे पहला नियम क्या हो रहा था, इसका प्रभाविता का नियम था, है ना, कि उन्होंने क्या बोला था कि F1 पीढ़ी में अगर हम दो विपरीत लक्षणों को ले रहे हैं तो वो क्या हो रहे थे, जो हमको प्रभावी लक्षण है वो वाली नई संतानें मिल रही थी, है ना। F2 में भी हमको प्रभावी लक्षण वाली ही संतान मिलती है ना। उसके बाद में यहाँ पर एक संकर क्रॉस भी साथ में देखो, और प्रभाविता का नियम भी। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम दो लक्षण ले रहे हैं, और दो लक्षणों में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम जो ले रहे हैं, ये अगर युग्मकों की बात करें तो यहाँ पर जो लंबा पौधा है उसमें उसका जीनोटाइप क्या होना है, कैपिटल टी कैपिटल टी यहाँ, और जो बौना पौधा होना है उसका स्मॉल जीनोटाइप टी। क्या होना है, स्मॉल टी स्मॉल टी। उसके बाद में जब हमको यहाँ पर F1 पीढ़ी मिल रही है तो इसमें क्या होना है, एक कैपिटल टी रहना है और एक स्मॉल टी वाला पौधा प्राप्त होना है, ठीक है। अब क्या चीज हुई, यहाँ पर भी सेम वही चीज है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है ना। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल टी वाला पौधा है ये भी, यहाँ पर भी कैपिटल टी नहीं, यहाँ पर एक स्मॉल टी का हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, और यहाँ पर क्या हो गया, दोनों के दोनों ये बोना पौधा है इसीलिए स्मॉल टी हो गया। तो ये हो गया इसका जीनोटाइप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि जीनोटाइप और फिनोटाइप में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है फिनोटाइप है, और ये जो हमने यहाँ पे टी लिखे है ये सब क्या है, इनके जीनोटाइप है। तो जब हम एक संकर क्रॉस करा रहे हैं, एक लक्षण को ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, और ये जो हमने लिखा है ये भी याद रखो, जो हम प्रभावी है उसको कैसे लिख रहा है, कैपिटल से, जो अप्रभावी या जो विपरीत लक्षण है उसको हम लिख रहे हैं स्मॉल से, ठीक है। फिर जो हमको F1 पीढ़ी में यहाँ पे प्राप्त हो रही, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कराया है, पर परागण कराया, ये पौधा अलग है ये पौधा अलग है, इसके अंदर में पर परागण हुआ है, तो यहाँ पर जो हमको मिला वो कैसा मिला, संकरित पौधा मिला, है ना। फिर इसके बीच में F1 पीढ़ी में हमको क्या मिल गया, यहाँ पे संकरित पौधा मिल गया, और इसका जो जीनोटाइप है वो कैसा हो गया, यहाँ पे ये कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गया। इसके बीच में हमने स्व परागण कराया तो यहाँ तीन प्रकार के पौधे मिले, तीन कैसे मिल रहे हैं, फिनोटाइप के हिसाब से बड़े हैं और एक कैसा है, छोटा है। तो इसका जो फिनोटाइप में जो अनुपात बन रहा है वो क्या बन रहा है, यहाँ पे 3:1 बन रहा है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे उसके जीनोटाइप की अगर बात करें तो जीनोटाइप का अनुपात कितना बन रहा है, 1:2:1 बन रहा है ना। कि देखो तीन कैसे बने, यहाँ पे ये तीन लंबे पौधे हो गए है ना, और एक कैसा है, छोटा पौधा हो गया। तो उस हिसाब से क्या बन गया, उसका फिनोटाइप वाला अनुपात यहाँ पे 3:1 बन गया। जीनोटाइप में ये वाला यहाँ पे इसके युग्म जीन या एलील समान है, इसके ये जीन समान है, मतलब एक एक आ गया। और ये वाले पौधे, बीच वाले दोनों पौधे, तो इनके जो जीन है वो कैसे हो गए, समान हो गए, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। तो जो जीनोटाइप है एक संकर क्रॉस में क्या आता है, 2:1 आता है उसका जीनोटाइप, और फिनोटाइप आता है 3:1, ठीक है। इतना क्लियर है। अब दूसरी चीज, यहां पर क्या कर रहे हैं, हम इसका व्युत्क्रम अनुपात, व्युत्क्रम ले रहे हैं, है ना। मतलब एक हम बैक क्रॉस करा रहे हैं, तो बैक क्रॉस करा रहे हैं तो क्या चीज कर रहे हैं, एक बार हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लंबे पौधे को मेल ले ले रहे हैं, ठीक है। लंबे पौधे को क्या ले लिया हमने, मान लो यहाँ पे मेल पौधा ले लिया, और इस छोटे वाले को क्या ले लिया, फीमेल ले लिया। लेकिन अगली बार में क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, फीमेल ले लेंगे, और इस वाले पौधे को यहाँ पे मेल ले लेंगे। तो ये जो हमको अब जब हम बैक क्रॉस करा रहे हैं, जब मेल फीमेल इनको अपोजिट अपोजिट में ले रहे हैं, तो हमको इससे ये पता चल जाएगा कि जो अगली पीढ़ी आ रही है उसमें किस तरह की संतान मिल रही। अगर जैसे हमने यहाँ पे ये वाला पौधा मेल लिया और इसको फीमेल लिया, ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं, ये क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक सेकेंड ना।
ठीक है, ये मेल पौधा लिया और इसको हम यहाँ पे जो एफ वन पीढ़ी की संतान हुई इसके साथ में इसका संकरण करा दिए, तो यहाँ पर क्या चीज हो रही है हमको यहाँ पे, तो ये कैपिटल वाले भी कितने मिल जाना है, तीन कैपिटल मिल जाना है, एक स्मॉल मिल जाना, लेकिन यहाँ पर जब हम करा रहे हैं तो हमको क्या होना है, तीन बौने मिलना है और एक भर यहाँ पे संकरित पौधा मिलना है, लंबा पौधा नहीं मिलना है, सिर्फ क्या मिलना है, संकरित मिलना है जब हम इस अप्रभावी के साथ में करवाएंगे तो ये हो जाता है एक एक संकर क्रॉस और प्रभाविता का नियम। ठीक है, इतनी चीज यहाँ पर याद रखना, जीनोटाइप फिनोटाइप याद रखना है कि इसके जीनोटाइप कितना होता है, 1:2:1 होता है और फिनोटाइप में 3:1 होता है। ठीक है, फिर बारी आती है यहाँ पे पृथक्करण। पृथक्करण के नियम में क्या चीज बोली थी मेंडल ने कि जब, और इसी को क्या बोलते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोलते हैं, है ना, कि जब हम यहाँ पर समान मतलब विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में अगर हम क्रॉस करवा रहे हैं तो जो F1 पीढ़ी है उसमें तो हमको प्रभावी मिल जाता है, लेकिन जो F2 पीढ़ी आती है उसमें जो सारे लक्षण रहते हैं वो स्वतंत्र रूप से क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो ये चीज अब क्या कहलाती है यहाँ पे पृथक्करण का नियम, है ना। और उसमें क्या हो रहा है कि जितने भी युग्मक है वो स्वतंत्र रूप से क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर ये एक स्क्वायर दिख रहा है, ये क्या है, पुनेट स्क्वायर है, इसको याद रखना है। पुनेट स्क्वायर में क्या चीज हो रही है कि यहाँ पे हम युग्मकों को कैसे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जा रहा है, कैसे उन लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं, वो चीज देखने के लिए पुनेट स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये अभी जो लास्ट टाइम बताया उसको एक बार फिर से देख लो। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, इसको एक साइड कर, समयुग्मकी पौधा लिया है ना, उसको क्या कर दिया, मेल एक बार हमने एक साइड से मेल ले लिया और एक साइड बार उसको फीमेल ले लिया, तो जो हमको ही युग्मक मिल रहे हैं वो कैसे मिल जाते हैं, वही अनुपात में मिल जाते हैं कि यहाँ पर कैसे तीन बड़े हो जाते हैं और एक छोटा मिल जाता है ना, मतलब ये चीज हो रही है कि यहाँ पे हमको जो युग्मक है उनके समयुग्मक पौधा है या विषम युग्मक पौधा है ये चीज हमको पता चल जाती है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बारी आती है अप्रभा, ये प्रभावित मतलब कैसे पृथक्करण का नियम है, और पृथक्करण का नियम के साथ में क्या चीज देखते हैं, द्विसंकर क्रॉस भी देखते हैं ना, द्विसंकर क्रॉस का यहाँ पे दिया है क्या, ये द्विसंकर क्रॉस है ना, और इसमें क्या है पृथक्करण का नियम भी है कि यहाँ पर क्या बोला, जब हमने दो जोड़ी विपरीत लक्षण लिए तो यहाँ पर क्या लिए, गोल और पीला बीज ले लिया, दूसरा उसका विपरीत लक्षण क्या ले लिया, झुर्रीदार और हरा ले लिया, अब इनके बीच में जो क्रॉस कराया तो हमने पहले नियम के अनुसार हमको क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे पहली पीढ़ी में गोल और पीला पौधा प्राप्त हो रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पे इस पौधे का स्वपरागण करवा रहे हैं सेम लक्षण ये गोल और पीले वाले को जब हम ले रहे हैं तो जो हमको अगली जो F2 पीढ़ी आ रही है ये यहाँ पे F2 पीढ़ी, तो इसमें जो युग्मक हो रहा है वो कैसे हो रहा है, चार प्रकार के युग्मक बन रहे हैं पहले, तो इसमें क्या बन रहा है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये चार तरह के युग्मक, क्योंकि स्व परागण लिया तो मेल भी यही हो गया और फीमेल के भी युग्मक कैसे होगा, यही होगा। अब देखो यहाँ पे जब हम द्विसंकर क्रॉस करा रहे हैं तो यहाँ पर हमको जो जीनोटाइप आ रहा है उसका फिनोटाइप आ रहा है, पहले यहाँ नीचे लिखा हुआ है, दिख रहा है ना नीचे, फिनोटाइप कैसे दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमको, नौ यहाँ पे गोल और पीले दिख रहे हैं, ये नौ पौधे पूरे कैसे है, गोल और पीले दिखाई दे रहा है। ठीक है, तीन पौधे कैसे है, गोल और हरे है, ये तीन पौधे गोल और हरे है, उसके बाद कैसे है, तीन झुर्रीदार और पीले है, तो एक दो और ये तीन, ये क्या हो गया, झुर्रीदार पीले हो गए, और एक पौधा कैसा मिल रहा है यहाँ पे हमको, झुर्रीदार ही मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे इसका फिनोटाइप याद रखना है कि द्विसंकर जब हम करवा रहे हैं तो यहाँ पे जो युग्मक प्राप्त हो रहा है या जो F2 पीढ़ी है उसका अनुपात हम हमेशा यहाँ पे 3:1 मतलब 9:3:1 रह रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, इसका जीनोटाइप अनुपात
जीनोटाइप अनुपात क्या होगा? जीनोटाइप अनुपात यहाँ पर होगा उसका 2:1 तो 4। हाँ रुको, इसका जीनोटाइप अनुपात में तो वो बड़ा सा आ रहा था, ठीक है, इसका आप जीनोटाइप अनुपात निकालना है ना। तो जीनोटाइप अनुपात में जो समान समान युग्मक हो तो समान युग्मक यहाँ पर समान युग्मक कितने हो रहे हैं? समा देखो जो युग्मक फिर अब यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा एक एक साइड से। अगर यहाँ पे काउंट करें तो जीनोटाइप अगर निकाल रहे तो जीनोटाइप निकाल रहे थे यहाँ पे एक अनुपात। हाँ ठीक है, काउंट करके निकाल लेंगे बाद में। ठीक है, तो द्विसंकर क्रॉस तो इतना ठीक है। हाँ, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक और चीज का याद रखना है कि जो यहाँ पर जो युग्मक प्राप्त हो रहा है F2 पीढ़ी है ना, मतलब F2 पीढ़ी ये वाली पीढ़ी है ना, पीढ़ी में जितने भी युग्मक हुए वो क्या हो रहे हैं, जो तीसरा नियम है ना स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, वो भी नियम यहाँ पर लागू हो जा रहा है कि कोई भी अगर लक्षण है वो एक पीढ़ी में जा रहा है तो दूसरी पीढ़ी में। माइक माइक म्यूट करो। जब वो एक से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है तो क्या चीज हो रही है उसमें, कि वो स्वतंत्र रूप से एक से दूसरी पीढ़ी में चले जा रहा है बिना एक दूसरे को प्रभावित करे। जैसे अगर यहाँ पर कोई ये युग्मक अगर इस साइड का युग्मक है और एक ये वाला युग्मक है तो ये बिना एक दूसरे को प्रभावित करे ही क्या कर दे रहा है, दूसरी पीढ़ी में चले जा रहा है ना, एक दूसरे पे कोई भी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न नहीं कर रहा है कि कोई अपना लक्षण किसी को दबा नहीं रहा है ना। तो ये चीज थी तीसरे वाले नियम में, कि मेंडल के तीसरे नियम में क्या चीज बोली थी कि कोई भी युग्मक है वो स्वतंत्र होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए, और वो स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित भी हो जाता है बिना किसी को बिना बिना अपने आप को मतलब बिना किसी दूसरे युग्मक को प्रभावित करे बिना। ठीक है, ठीक है इतना। एलील मींस एलील मतलब ये एलील है एक तरह का, जैसे हम जो जिससे प्रदर्शित कर रहे हैं युग्मक वगैरह है ना, जैसे हम कैपिटल टी ले रहे हैं एलील के रूप में, हम आर ले रहे हैं, वाई ले रहे हैं, तो ये सब क्या है, एलील है। ठीक है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे एलील को? किसी युग्मक का लक्षण, किसी युग्मक का लक्षण। ठीक है, फिर अब बारी आती है यहाँ पे प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता है ना। तो सहप्रभाविता का मतलब क्या हो रहा है कि जब दोनों के दोनों लक्षण एक साथ दूसरी पीढ़ी में या जो आने वाली पीढ़ी है उसमें जब दोनों तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो वो क्या कहलाता है, कहलाती है सहप्रभाविता। जैसे यहाँ पर देखो, एक पौधा हमने क्या लिया, लाल फूल वाला है, दूसरा कैसा लिया, सफेद लिया। तो अब क्या हो रहा है, जो एफ वन पीढ़ी हो रही है उसमें हमको गुलाबी दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होगी, यहाँ पे सहप्रभाविता दर्शा रहा है कि साथ में गया और प्रदर्शित हो गया। ठीक है, दोनों के दोनों लक्षण यहाँ पे प्रदर्शित हो गए, तो ये क्या चीज हो गई, सहप्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता, सर आवाज नहीं आ रही, अब आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है। अरे बेटा आवाज आ रही है क्या, बोलो अब क्लियर है? यस सर। ठीक है, अपूर्ण, फिर बारी आती है अपूर्ण प्रभाविता। तो अपूर्ण प्रभाविता में ये चीज हो रही है कि दोनों लक्षण यहाँ पे अच्छे से प्रदर्शित नहीं हो रहे। जैसे एक उदाहरण इसके लिए दूसरी बुकों में दिया हुआ है गाय का,
है ना, या हम यहाँ पर भी अगर ये फूल पे देखें तो एक तो हमको यहाँ प्रभाविता के नियम के अनुसार एक पौधा जो संयुग्मकी था वो कैसा मिल गया, लाल मिल गया, दूसरा कैसा मिल गया यहाँ पे सफेद मिल गया है ना, और दो पौधे कैसे मिल रहे हैं यहाँ पे मिक्स लक्षण वाले मिल रहे हैं ना, तो ये क्या होगी सहप्रभाविता होगी। लेकिन गाय हमने देखी, अगर एक लाल गाय है और एक काली गाय है, जब इनके बीच में हम क्रॉस करवा रहे हैं और जो नई संतान आ रही है तो वो कैसे आ जाती है यहाँ पे चितकबरी आ जाती है, मतलब उसके ऊपर लाल कलर का भी यहाँ पे धब्बे बने हुए रहते हैं और सफेद कलर के भी दिखाई देते हैं ना, तो वो क्या होगी अपूर्ण प्रभाविता होगी कि दोनों के दोनों ही लक्षण यहाँ पर अच्छे से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। फिर अगली चीज आती है यहाँ पे सहप्रभाविता के लिए ब्लड ग्रुप के लिए, है ना, तो ब्लड के लिए क्या चीज हो रही है यहाँ पे, जो ब्लड ग्रुप है उसमें तीन तरह के मेन है, वैसे अगर देखे जाए तो 800 ब्लड ग्रुप रहते हैं जिसमें से 300 मेन है और 300 से में से भी जो मेन अगर देखने को मिलते हैं तो वो कितने हैं, तीन, ए बी ओ, ठीक है, ये तीन ब्लड ग्रुप रहते हैं। अब इसके जो एलील है वो किसके ऊपर या किस जीन के द्वारा नियंत्रित होता है, तो आई के द्वारा होता है, और आई में तीन प्रकार के एलील रहते हैं, आई ए, आई बी, और एक रहता है आई स्मॉल, है ना, मतलब इसके ऊपर जो जीन रहते हैं वो किसी भी तरह के एंटीजन एंटीबॉडी को नियंत्रित नहीं करते, इसीलिए इसको अप्रभावी लिख देते हैं। और ये हो गए, ये दोनों क्या कर रहे हैं, जो जो एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी है एंटीजन है उनको उनके निर्माण के लिए उत्तरदायी रहते हैं या उसको नियंत्रित करने वाले जो जीन रहते हैं वो इनके ऊपर उपस्थित रहते हैं। तो हम जिसके यहाँ पर क्या जो जीन है ना ब्लड ग्रुप निर्धारण के लिए उसको किससे दर्शा रहे हैं, आई से, और उसके ऊपर जो एलील है या जो जीन है उसको हम दर्शा रहे हैं आई ए, आई बी, या तो जिसके ऊपर नहीं है उसको स्मॉल आई, या तो फिर उसको स्मॉल आई ओ से दर्शा देते हैं। अब ये चीज में क्या हो रहा है, कोई भी अगर कोशिका है तो उसके अंदर में दो जीन उपस्थित रहते हैं, आई ए और आई बी रहता है, अगर यहाँ पे दोनों के दोनों ही अगर साथ में अगर वो प्रदर्शित हो जाते हैं तो ब्लड ग्रुप क्या आ जाता है यहाँ पे सहप्रभाविता के अनुसार ए बी दोनों आ जाता है। ठीक है, और अगर किसी के अंदर सिर्फ ए प्रकार की अगर जीन है तो वो क्या होना है ए ब्लड ग्रुप दिखना है ना। अब इसमें यहाँ पे बारी आती है संयुग्मकी और विषमयुग्मकी की, तो यहाँ पर अब चार्ट देखो एलिल्स, एक पेरेंट्स दो पेरेंट्स है, ठीक है, एक मेल मान लो एक फीमेल मान लो, तो यहाँ पे जो अब यहाँ पे जो संतान आ रही है वो कैसे होना है, अगर दोनों पेरेंट्स यहाँ पे समयुग्मकी है ना, यहाँ पे ये चीज भी याद रखना समयुग्मकी है तो क्या आ रहा है, विषमयुग्मकी है तो क्या आ रहा है, और किस जीन के ऊपर से क्या ब्लड ग्रुप बन रहा है ना, तो आई जीन है तो आई ए है मेल का, फीमेल का क्या है इसका भी आई है, तो ये कैसे हो गए दोनों के दोनों संयुग्मकी हो गए, मतलब जीनो टाइप में भी क्या आ गया आई ए आ गया, तो इसका ब्लड ग्रुप ए बन गया। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन आती है विषमयुग्मकी, मतलब मेल आई ए है और फीमेल क्या है आई बी है, तो इसका जो जीनोटाइप है वो क्या हो गया आई ए और आई बी हो गया, तो ब्लड ग्रुप, क्योंकि अब यहाँ पे दोनों के दोनों जीन है, अलग अलग एलीलों पे अलग अलग तरह के एलील उपस्थित है, अलग अलग तरह के क्रोमोसोम पे उपस्थित है, तो यहाँ पर ये विषमयुग्मकी होने के कारण ये सहप्रभाविता दर्शाता है और दोनों लक्षण यहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं, तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाना है यहाँ पे आई मतलब ए बी बन जाना है। ठीक है, तीसरी कंडीशन पेरेंट्स क्या है, मेल में क्या है आई ए है लेकिन फीमेल क्या है आई ओ है, या इसके ऊपर किसी भी प्रकार की सुगर को नियंत्रित करने वाला यहाँ पे कोई जीन उपस्थित नहीं है, तो इसका जो जीनोटाइप हो गया वो जीनोटाइप क्या हो गया आई ए और स्मॉल आई, तो यहाँ पर अब क्यों, क्योंकि हमने प्रभाविता के नियम पे बोला था कि जो लक्षण प्रभावी होगा वही हमको दिखाई देगा, तो यहाँ पर क्या है ये ए जो जीन है ये प्रभावी है ना, तो हमको यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या मिल जाना है उसका ए मिल जाना है। सेम ऐसी यहाँ पे फिर से विषमयुग्मकी वाली कंडीशन आ गई, आई बी है आई ए है, तो जो जीनोटाइप है वो आई ए आई बी हो गया, तो फिर से हमको क्या मिल गया ए बी मिल गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आई बी समयुग्मकी कंडीशन आ गई, मतलब दोनों पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप कैसा है बी है, तो यहाँ पर जो जो संतान है उसका ब्लड ग्रुप क्या आ गया यहाँ पे बी आ गया। ठीक है, फिर तीसरी ये कौन सी पांचवी कंडीशन,
कि आई बी और एक के ऊपर क्या है, किसी भी प्रकार का कोई जीन उपस्थित नहीं है, तो ब्लड ग्रुप प्रभाविता के नियम के अनुसार क्या हो गया, यहाँ पर भी बी बन गया। अब तीसरी कंडीशन, यहाँ पर तीनों ही मतलब दोनों ही प्रकार के यहाँ पे जीन उपस्थित नहीं है, ना ए है ना ही बी है, तो यहाँ पर क्या चीज हो गई, जो जीनोटाइप हो गया वो स्मॉल आई हो गया, तो यहाँ पर बिना किसी शुगर को नियंत्रित करने वाला ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ओ हो गया। ठीक है, ठीक है, अब इतना ठीक है। यस सर। इसके लिए आप क्रॉस क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ लेंगे, वो है ना एनसीईआरटी की बुक में अगर उठा के देखोगे तो लास्ट में दिया हुआ है कि पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ब्लड ग्रुप बी है, तो लेकिन संतान का ब्लड ग्रुप ओ है, तो कैसे, है ना, सिद्ध करो कि कैसे उसका ब्लड ग्रुप ओ हो गया और वो उन्हीं की संतान है ना। तो ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सारे लोग बना के वो क्रॉस बना के मेरे को सेंड करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे ब्लड ग्रुप के बारे में यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसीवर की बात आती है, तो कोई बताएगा यूनिवर्सल डोनर कौन है? और रिसीवर माइनस हुआ है तो वो यूनिवर्सल डोनर है या नहीं है? नहीं है। वो नेगेटिव भी यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन वो सिर्फ किसको वो किसको दे सकता है? नेगेटिव को दे सकता है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों को, नेगेटिव वालों को दे सकता है, पॉजिटिव को भी दे सकता है वो नेगेटिव, वो नेगेटिव पॉजिटिव को भी दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव को नहीं दे सकता। ठीक है, ओ नेगेटिव दोनों में देखो वो जो नेगेटिव है, हाँ, यहीं पे क्या सर, ये दोनों में जैसे ओ नेगेटिव पॉजिटिव वाले को नहीं दे सकते या पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला? देखो जो ओ नेगेटिव है वो वो ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, ठीक है, बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ पॉजिटिव को भी दे सकता है और नेगेटिव को भी, मतलब जो ओ नेगेटिव है वो हर किसी को दे सकता है। क्यों ऐसा? क्योंकि हम नेगेटिव किसके लिए ले रहे हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, हम नेगेटिव किसके लिए ले रहे हैं, जिसके ऊपर भी किसी भी प्रकार का यहाँ जीन उपस्थित नहीं है, ठीक है, इसके लिए है ना। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, जैसे ये जीन उपस्थित है आई बी है, तो अगर हम उसको अगर मान लो ओ नेगेटिव देंगे, तो ये जो यहाँ पे पॉजिटिव बी पॉजिटिव है ना, या जैसे बी पॉजिटिव, तो इसके ऊपर में क्या चीज हो रही है कि जीन उपस्थित है लेकिन इसके ऊपर नहीं है, तो ये यहाँ जाके कोई रिएक्शन करना है क्या इसके साथ में? नहीं करना है, तो ये हर किसी को दे सकता है। पर अगर वो क्या है, या मान लो ए पॉजिटिव है और इधर में क्या है बी पॉजिटिव है, तो वो अगर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाना है, वो रिएक्शन कर जाना, या एक ओ पॉजिटिव है वो ओ नेगेटिव को नहीं दे सकता, क्योंकि उसके अंदर में क्या हो जाना है, यहाँ पे ये जीन उपस्थित रहना है ना, आरएच फैक्टर उपस्थित रहना है। अच्छा, ये अभी आरएच इनकम्प्लीबिलिटी करके आएगा एक आगे एक डिसऑर्डर में, तब हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अभी बस इतना ही याद रखो कि जो ब्लड ग्रुप है उसके लिए 6 प्रकार के एलील बनते हैं या 6 प्रकार के पेयर बनते हैं, जिसके कारण ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। ठीक है, ओके सर। हाँ, वो आरएच फैक्टर वाला अभी आएगा, तो उसको मैं थोड़े से अलग से, वो पूरा एक डिसीज ही है, उसको अलग से पूरी बताना पड़ेगा, है ना। ठीक है, फिर से एक और चीज बोल रहा हूँ, YouTube वाला चैनल लाइक करो और रिस्पांस करो उस पर। ठीक है, जो भी वीडियो वगैरह है वो शेयर भी करना है, उसको लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, ओके सर। फिर बारी आती है सर। हाँ, एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ बोलो। आरबीसी पर पाए जाने वाले एंटीजन को कौन सा जीन कोडित करता है? कौन सा जीन? आई जीन कोडित करेगा उसको। कैसे? ये हम यहाँ पे आई ले रहे हैं ना, आई आई जीन नियंत्रित करता है उसको। ठीक है, क्वेश्चन क्या बताना है जो करने के लिए दिया है, क्या है क्वेश्चन क्या बताना है करने के लिए दिया है वो? हाँ,
अगर एक पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का बी है और बेबी का ब्लड ग्रुप ओ है, तो क्रॉस बना के सिद्ध कर उन्हीं की संतान है। कैसे होगा ये? अब वो पता नहीं, जिसने एनसीईआरटी की पढ़ी है उसको पता है, तुम एमपी बोर्ड वाली हो। पिता का क्या है? पिता का ए, माता का बी और संतान का ओ। अच्छा। करना है। अब वो क्रॉस करके तुम लोग मेरे को बना के भेजो और बताओ कैसा है, कैसे आया, क्या है? नोट्स मिलेंगे वाले चैप्टर के। हाँ सर भेजेंगे। हाँ, ये बताएंगे फिर नोट्स मिलेंगे जेनेटिक। हाँ हाँ ओके। तो व्हाट्सएप ना चलाए कोई, है ना? चलो ठीक है, अब फिर बारी आती है क्रोमोसोम सिद्धांत। तो क्रोमोसोम सिद्धांत में क्या चीज बोली गई थी कि भैया कोई भी अगर जीन वगैरह उपस्थित है तो वो किसी तरह के किसी खंड के ऊपर उपस्थित है। तो इसमें क्या चीज थी कि क्रोमोसोम सिद्धांत दिया था और उसमें बताया था कि जो भी जीन होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, तो वो इसके ऊपर वाहक के ऊपर होते हैं, वो क्या कहलाता है, क्रोमोसोम कहलाता है। और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, तो क्रोमोसोम में कैसे हो रहे हैं हमारे मनुष्य के अंदर में, याद रखना है कि जो 24 है उसमें से 23 क्या है, ऑटोसोम है। ऑटोसोम गुणसूत्र मतलब जो शरीर की लक्षणों को नियंत्रित करते हैं ना, जैसे स्किन का कलर हो गया, बाल का कलर हो गया, हमारी ऊंचाई हो गई, लंबाई हो गई, इन सब को नियंत्रित कर रहे हैं, हमारी शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम जो लिंग का निर्धारण है और लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी रहता है, वो क्या कहलाता है, सेक्स क्रोमोसोम। और उसमें क्या रहता है, एक एक्स रहता है और एक वाई रहता है, ठीक है? और ठीक है, तो इतनी चीज याद रखना है। फिर जीन के बारे में बता दिया, जोहानसन ने इसका सबसे पहले उपयोग किया था, है ना? फिर त्वचा के रंग की भी वंशागति, तो त्वचा के रंग की वंशागति के लिए एक ही शब्द याद रखना कि ये क्या है, बहुजीनी वंशागति है। बहुजीनी वंशागति मतलब जैसे अभी हम एक लक्षण ले रहे थे और इससे पहले कैसे लिए था हमने, तो एक लक्षण लंबाई और बोनापन ले लिया था, दूसरी बार क्या लिया था, गोल और पीला, और दूसरा हरा और छुट्टीदार लिया था। यहाँ पे क्या करो, बहुजीनी में एक और लक्षण को ऐड कर लो कि उसकी फल्ली कैसी हो रही है, चिकनी हो रही है या लंबी हो रही है या फूली हुई है या चिपकी हुई है, तो ये चीज है। तो तब हम बहुत कोई लक्षण जब बहुत सारे लक्षणों के कारण वो नियंत्रित होती है तो वो क्या कहलाते हैं, बहुजीनी वंशागति कहलाती है, है ना? और जो बहुजीनी वंशागति है उसमें एक ही लक्षण के लिए बहुत सारे यहाँ पे जीन उपस्थित होना है और वो नियंत्रित करना है उस लक्षण को, ठीक है? एक सेकेंड। ये कुछ सिंबल है ना, ये सिंबल सारे लोगों को याद रखना है, है ना? कि मेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए क्या है, प्रभावी व्यक्ति के लिए, ये सिंबल, ओके सर, मेल फीमेल, फिर प्रभावी के लिए, संकरण के लिए, उनके बीच में क्या रिलेशन है, कैसे संतान उत्पन्न हो रही है, कहां तक वो इफेक्ट हो रहे हैं, ये चीजें थोड़ी सी याद रखना है, ठीक है? और ऐसी वंशागति का चार्ट भी बनाते आना चाहिए। सर इनका यूज क्या होता है? इनका यूज, हाँ, ये क्या है, पेडिग्राम है ना, पेडिग्राम, इस पेडिग्राम, इसको वंशावली विश्लेषण के लिए यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं कि जैसे मान लो दो, खासकर मनुष्य के लिए ये चीज काम में लाते हैं, जैसे भाई बहन हो गए तो उनके बीच में हम क्रॉस नहीं करवा सकते, है ना? तो उनकी जो संतान उत्पन्न होने वाली है उस संतान में क्या लक्षण आने वाले हैं, क्या लक्षण नहीं आने वाले हैं,
ये चीज देखने के लिए हम इस वंशावली विश्लेषण का यूज करते हैं और उसमें ये विशेष प्रकार के सिंबलों का यूज करते हैं कि किस तरह का कौन सा सिंबल है और कहाँ पे वो जा रही है। जैसे अभी यहाँ एग्जांपल के लिए हीमोफीलिया में देखो कि हीमोफीलिया में क्या चीज हो रही है। यहाँ हमने ये दो मेल फीमेल है तो इनसे जो संतानें उत्पन्न हुई तो ये चार चार संतानें हुई। फिर यहाँ पर ये दो की शादी हुई, इनकी जो संतानें हुई तो यहाँ पर फिर ये संतानें हुई। लेकिन ये एक अगर यहाँ पे रोगग्रस्त थी सर मुझे नहीं समझ में आया कि इसकी चार संतानें कौन कौन सी हैं यहाँ। बहुत बढ़िया। अच्छा रुको पहले थोड़ा सा दूसरी चीज कर लेते हैं फिर इसको ना कल वाली क्लास में कर देता हूँ अलग से, है ना। क्योंकि थोड़ी सर शाम को नहीं लगेगी क्या? शाम में तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे ना बेटा यहाँ तक के। ओके सर, ये जितना अभी हो रहा है यहाँ तक के ऑब्जेक्टिव रहेंगे ना। है ना, टाइम में एक चीज याद रखो, टाइम हमेशा ना सेम रहना है ना, टाइम चेंजेस नहीं कर रहे हैं हम कभी भी। ठीक है, देखो वो वंशागति जो चार्ट है उसको हम दरअसल क्या कर रहे हैं इसीलिए यूज करते हैं कि जैसे मनुष्य हो गया तो मनुष्य में नैतिक कारण आ जाते हैं। जैसे भाई बहन की शादी नहीं करवा सकते, है ना, तो हमको पता कैसे चलेगा कि कोई लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जा रहा है ना। तो उस चीज को पता करने के लिए हम पेडिग्राम का यूज करते हैं या वंशावली विश्लेषण का यूज करते हैं। अच्छा, वो जो मनुष्य का वो जो अभी ब्लड ग्रुप वाला बोला था ना, उसका भी एक पेडिग्राम बना के भेजना मेल फीमेल दोनों का। सर हमको नहीं आता कैसा, नहीं आता कैसा, चलो एक बना के बता देता हूँ। अच्छा, सेक्स डिटरमिनेशन आता है लिंग निर्धारण वाला। हाँ। लिंग निर्धारण ये एक्स वाई वाला। हाँ। हाँ सर आता है। हाँ, तो इसका भी ना पेडिग्राम भी बना के बताना और ये भी। चलो यहाँ पर अब देखो जैसे क्या चीज कर रहे हैं, अब हम बनाते जा रहे हैं ना, एक पेडिग्राम बना के बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये एक हमने नर ले लिया, ठीक है, दूसरी चीज क्या कर ली यहाँ पे हमने, ये एक फीमेल ले ली, ठीक है, और एक का ब्लड ग्रुप मान लो, कुछ भी मान लो, अब तुम लोग यहाँ जो भी मानना है ए बी, है ना, मेल का हमने क्या बोला था ए और फीमेल का बी, ये हो गया, ठीक है। अब इनकी क्या करना है, संतान उत्पन्न करवाना है, मतलब पहले दोनों की भैया ये शादी करवा दी, ठीक है, अब शादी करवा दी तो अब इनकी क्या हो रही है, ये संतान उत्पन्न हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे संतान उत्पन्न हो रही तो कितनी संतान हो रही है, चार कम से कम, क्योंकि युग्मक हमारे कितने बनते हैं, चार बनते हैं ना, तो एक ये लड़का हो गया और एक ये लड़का हो गया, ठीक है। दूसरी चीज इसकी, एक ये लड़की उत्पन्न हो गई और ये लड़की उत्पन्न हो गई, ठीक है। अब भैया ये भी बड़े हो गए, इनकी भी शादी करवाना है, तो ये लड़की है इसकी शादी करवाई, ठीक है, शादी सही करवाइए कि नहीं ये। हाँ हाँ, तो ये शादी करवाई, ठीक है। अब इनकी संतान उत्पन्न हुई, अब इनकी संतान हुई तो मान लो यहाँ पर कितनी हुई, दो ही संतान हुई, दोनों के दोनों क्या हो गए भैया, लड़के हो गए, ठीक है। ये चीज हुई। अब जैसे हमने अनुवांशिक रोगों के लिए एक चीज बोली गई है कि भैया अनुवांशिक रोग में लड़कियां हमेशा सिर्फ क्या हो जाती है, वाहक होती है, रोग वाहक नहीं होती है, है ना। तो मान लो यहाँ पर ये जो मेल था, है ना, मान लो यहाँ पर अभी इसको क्या मान लो कि ये हीमोफिलिक है, ठीक है, तो मान लो ये यहाँ पे ये हीमोफिलिक हो गया, ठीक है, तो लेकिन इसके ये जो दोनों लड़कियां हैं इसके अंदर में भी क्या इसका लक्षण है, एक जीन उपस्थित है, क्योंकि एक जीन पिता से आ रहा था, एक जीन माता से आ रहा था, लेकिन अब ये जो लड़का यहाँ पे उत्पन्न हुआ है तो लड़के के अंदर में क्या हो गया, ये दोनों के दोनों लड़के अब क्या हो गए, हीमोफिलिक हो गए, जबकि ये वाला मेल कैसा था, नॉर्मल था, और ये वाली जो फीमेल थी ये भी कैसी थी, नॉर्मल थी, इन दोनों को बीमारी नहीं थी, लेकिन इसके नाना की बीमारी इन दोनों इसके पोतों में हो गई, ठीक है। हाँ।
तो ये जीन यहाँ का जीन यहाँ तक कैसे पहुंचा, ये चीज देखने के लिए इस वंशावली विश्लेषण का प्रयोग करते हैं, है ना। अगर हमको ये चीज देखना था कि भैया इनकी जो जैसे हम प्रयोग कर रहे थे तो ये क्या होगी, यहाँ पे F1 पीढ़ी है ना, तो F1 पीढ़ी है, उसके बाद ये वाली पीढ़ी कौन सी है, यहाँ पे F2 पीढ़ी है। तो हमको F2 पीढ़ी में लक्षण देखना था कि ये वाला जो लक्षण है जो पिता के अंदर में वो उत्पन्न हो रहा है कि नहीं। तो हम ये भाई बहन की शादी थोड़ी करवा सकते हैं, है कि नहीं। हेलो सर। हाँ फिर से सुन रहा है ये वाला सर, ऐसा तो वो ब्लड ग्रुप वाला जो आपने बताया वैसे उसमें भी हो सकता है ना। हाँ वो पॉजिटिव है। हाँ तो उसी के लिए ये मनुष्य में मनुष्य देखो पेडिग्राम का या ये जो वंशावली विश्लेषण है इसका उपयोग खासकर मनुष्य के लिए ही करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि नैतिक रीजन आ जाते हैं यहाँ पे कि हम भाई बहन की शादी नहीं करवा सकते, तो हमको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जीन जा रहे हैं उनकी वंशागति देखना है तो उसके लिए यूज करते हैं। जीन ये है इसमें जो F1 पीढ़ी है उसका F2 पीढ़ी में लड़के में हो गया और लड़के की किसी लड़की से शादी करा दी तो उसमें होगा ना उसकी संतान। ये वाला बोल रहे हैं ना, ये वाला जो लड़का है यहाँ पे जो शादी हुई ये नहीं सर, नहीं इसकी फैमिली वाला नहीं, तो हाँ तो ये इसकी फैमिली वाला है। तो देखो यहाँ पे अभी हम हीमोफीलिया की भर बात करें तो हीमोफीलिया में क्या होता है, जो जीन है वो फीमेल कभी भी रोगग्रस्त नहीं होती है, मेल ही हमेशा रोगग्रस्त होता है। क्यों? क्योंकि मेल क्या है दरअसल यहाँ पे, अब देखो जो पुरानी चीज है वो भी बहुत अच्छे से याद रखना है, जो मेल है वो क्या है XY है, विषम युग्मकीय है, है ना। और यहाँ पे जो फीमेल है वो कैसी है, XX है, समयुग्मकीय है। तो इसके अंदर में दोनों के ऊपर जीन उपस्थित है, तो अगर बाय चांस यहाँ पे एक के ऊपर अगर हीमोफीलिया का जीन यहाँ पे मतलब ब्लड को क्लॉट करने के लिए जो प्रोटीन बन रही है उसको नियंत्रित करने वाला अगर यहाँ पे जीन नहीं है तो भी क्या होना है, ये एक के ऊपर उपस्थित रहेगा, मतलब ये रोगग्रस्त नहीं होना। लेकिन यहाँ पे एक ही है, अगर इसके ऊपर वो जीन उपस्थित नहीं हुआ तो इस व्यक्ति का ब्लड जमना ही नहीं है, उसका क्लॉट नहीं जमना, लगातार ब्लीडिंग होते जाना है ना। अच्छा चलो टाइम एंड हो रहा है, फिर से एक बार कनेक्ट कर रहे हो क्या 5-10 मिनट के लिए? जी सर। अगर कर रहे हो तो इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि एंड होने वाला है, टाइम सिर्फ 30 सेकंड बचा है। ओके सर कनेक्ट कर, ठीक है 10 मिनट 5 मिनट के लिए कर लो, तो मैं इसको बता दे रहा हूँ क्लियरली, अच्छे से बता दे रहा, ठीक है कनेक्ट करो फिर से।